सच सच बताइए कि आप क्या कर रहे थे? वेट अ मिनट राजवीर, डोंट गेट मी रॉन्ग राजवीर, ऐसा कुछ नहीं है, लोग अच्छे दोस्त हैं, दैट्स इट। दिख रही है आप दोनों की दोस्ती जो आप निभा रहे हैं, जवाब दीजिए राजवीर को, क्या कर रहे थे आप दोनों इधर, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? नो मैम, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मी, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा ना अभी आपसे कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। सच सच बताइए। I'm sorry, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। ये स्काउंडल, नमक हराम, तो ये है आपकी लिस्ट। राजवीर। जिस थाली में आपने खाया उसी में छेद किया। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने हमारी नंदिनी पे बेतुका इल्जाम लगाया? आपको कोई माफी नहीं मिलेगी। राजवीर मेरी बात सुनो, इस सब का जिम्मेदार मैं अकेला नहीं हूँ। राजवीर, नंदिनी भी यहाँ आना चाहती। आप बचाई गया होने के लिए। बस कीजिए राजवीर। बात सुनो राजवीर, मास्टर स्टॉप इट। बस करिए, चलिए उधर, क्या हो गया आपको? प्लीज स्टॉप इट। ऐसे ऊंचे लोगों के खून से अपने हाथ को रंगने की जरूरत नहीं है। नंदिनी का कालक पुता हुआ काला चेहरा सबके सामने आ गया, यही बहुत है। अगर ये दोनों अपनी मर्यादा भूल गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी भूल जाएं। अबे खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हैं आप? जरा सी भी शर्म बची है तो दफा हो जाइए यहां से। बेटा, नंदिनी का सही चेहरा सबके सामने आ गया है, इसमें तो बेटा हम आपका दर्द समझ सकते हैं। नो, हमारे ऊपर क्या बीत रही है कोई नहीं समझ सकता। नंदिनी को हमने अपने खुद से ज्यादा भरोसा किया। बेटा प्लीज काम डाउन। मां प्लीज, आप हमें अकेला छोड़ दीजिए। बेटा आपको हमारी जरूरत है। मां प्लीज, प्लीज लीव मी अलोन। बेटा जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो आप कुछ नहीं बदल सकते ना। मां हमें पता है कि हम कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन हमें इसे फेस तो करना पड़ेगा। इसे हम भाग नहीं सकते, इसका हल हमें ढूंढना ही पड़ेगा, और वो भी आज ही। बेटा आप प्लीज, हम अपने आपे में नहीं, आप प्लीज यहां से चली जाइए, फॉर गॉड सेक। ड्राइवर गाड़ी निकालिए। हम आपको मंदिर ड्रॉप कर देते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अबे, आप नंदिनी के साथ कहाँ जा रहे हैं? मेरी कार आज सर्विसिंग के लिए गई हुई है, और मैं जहाँ जा रहा हूँ वो जगह मंदिर के रास्ते में पड़ती है। ये नंदिनी मुझे लिफ्ट दे रही है। नंदिनी, आप कब तक वापस आ रही हैं? मुझे काफी टाइम लगेगा, मंदिर में काफी भीड़ है, और
यहाँ से सीधा मैं ऑफिस जा रही हूँ, कुछ जरूरी काम है। जो कुछ भी हुआ और हमने जो कुछ भी देखा, उसके बाद भी हमें यकीन नहीं हो रहा है कि नंदिनी हमारे साथ ऐसा कुछ कर सकती। सात बज गए, डेकोरेशन कहाँ चला गया? अभय जी, भैरव सिंह कोई दिख क्यों नहीं रहा है? अभय का फोन भी बंद है। मुझे घर जाना चाहिए, राजवीर जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जाइए नंदिनी। क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इस घर में कदम रखने से पहले आपको हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। कौन से सवालों के जवाब? और आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं जैसे मैंने कोई गुनाह किया है? क्योंकि अब हमारे पास आपको देखने का और कोई तरीका नहीं रहा है। काश कि हमने वो सब नहीं देखा होता, काश कि हम फार्म हाउस नहीं गए होते। आप फार्म हाउस कब गए थे? ऐसा क्या देख लिया आपने? राजवीर, आप गलत समझ रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे यहां पे आने की? अपना मुंह बंद कीजिए और चुपचाप यहां से बाहर चले जाइए। आई सेड लीव। आप कितने बेशर्म हैं अबे? हमने आपको फार्म हाउस से निकाला और आप यहां आ गए? नहीं चाहिए आपके एक्सप्लेनेशंस। चले जाइए यहां से और दोबारा रघुवंशियों के घर में मुड़कर भी मत देखिएगा। We'll be right back.
मुझे बताएगा कि मैंने किया क्या है? वाह नंदिनी, सारे कुकर्म करने के बाद आप पूछ रही हैं कि आपने किया क्या है? सारे परिवार को यहां देखकर इतना भोले बनने की कोशिश मत कीजिए। जिस हालत में मां ने और हमने आपको उस अभय के साथ फार्म हाउस में देखा, उसके बारे में हम आपसे जिक्र भी नहीं करना चाहते। What? ऐसा क्या किया नंदिनी बहू ने? मासा हम बताते, नंदिनी बहू ने रघुवंशियों की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। रिश्तों की मर्यादा भूलकर उन्होंने वो किया है जिसके लिए सभ्य समाज में माफी है ही नहीं। शादी जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है इन्होंने। राजवीर के भरोसे को तोड़कर चकनाचूर कर दिया है। छी 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 छी, हमें तो कहते हुए भी शर्म आ रही। इन्होंने हमारी नाक कटा दी है, इससे ज्यादा हम क्या बोलेंगे? मासा, राजवीर ने तो खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। ओ, तो ये है इन मिडिल क्लास भैंजी की सच्चाई। मैं तो यकीन ही नहीं हो रहा कि नंदिनी कैरेक्टर की लूज भी हो सकती है। मॉम, जब राजवीर और ताईसा ने अपनी आंखों से देखा है तो उस पर भरोसा करना ही पड़ेगा ना। हमें तो शुरू से ही शक कि जो अपने आपको दिखाती हैं वो ये हैं, क्योंकि इतना अच्छा तो कोई नहीं है। पुत्रा बहू, आप तो चुप ही रही है। मां साहब, हम और आप पुत्रा को चुप करा सकते हैं, लेकिन बाहर वालों को क्या जवाब देंगे? सालों से रघुवंशी परिवार ने जो अपनी इज्जत बनाई उसकी आपने धज्जियां उड़ा दी अपनी इस घटिया हरकत से। बल्कि हम तो कह रहे हैं भाभी साहब, इलेक्शन सर पे, अगर इनकी इस घटिया हरकत की खबर मीडिया को जरा से भी लग गई, आपका सारा का सारा वोट बैंक खत्म हो गया। हाँ, और हम रघुवंशी हमेशा से ही मीडिया के सॉफ्ट टारगेट रहे। कौन सी मनहूस घड़ी थी कि इनसे रिश्ता करवाया राजवीर का? हे भाभी साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, गलती जरूर नंदिनी की होगी। अभय तो ऐसा कर ही नहीं सकते, काफी सालों से हम देख रहे हैं अभय को आपके साथ, काफी वफादार रहे हैं वो आपके साथ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसे तो हम भी इनकार नहीं कर सकते। क्या आप लोग मुझे एक मौका देंगे कि मैं कुछ कह सकूं? बचा ही क्या है आपके पास कुछ कहने के लिए, इज्जत तो लुटा ही है आप। बस कीजिए बस। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ या फिर मैंने कोई पाप किया है। तो ठीक है, जो हम कह रहे हैं उसे गलत साबित कीजिए। इसी बात का अफसोस है कि मुझे साबित करना पड़ेगा, वो भी आपके रहते हुए। साबित तो सीता माँ को भी करना पड़ा था ना निष्कलंक होने का, वो भी श्री राम के रहते हुए। राजवीर तो फिर भी इंसान है, शुक्र मनाइए कि हम आपको अपनी महल के चौकर पर अब तक बर्दाश्त कर रहे हैं, और आप इसे लांघ कर तभी अंदर आ सकती हैं जब आप पाक दामन साबित हो जाएंगी, जो नामुमकिन है। हाँ नंदिनी, माँ को बता दीजिए, आप जब मंदिर जा रही तो आपने अभय को क्यों लिफ्ट दी और उसके बाद फार्म हाउस पहुंच गई, और फिर जो हमने देखा उसे कैसे बुला दे? नंदिनी, अब आपको बताना पड़ेगा कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कब से गुलछर्रे उड़ा रही। नंदिनी बहू, कुछ कहिए। रंगे हाथ पकड़े जाने वाला आखिर क्या जवाब दे सकता है मासा? नंदिनी, आपको कुछ कहना है अपनी सफाई में?
अब सफाई की गुंजाइश ही कहाँ है राजवीर? अब इन्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी सीता माँ की तरह। नहीं मास, ना मैं कोई सफाई दूंगी और ना ही कोई अग्नि परीक्षा। राजवीर जी, मैंने हर बार आपको सच्चाई समझाने की कोशिश की, हर बार खुद पर भरोसा दिलाया, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इस बार आपने मेरे चरित्र पे उंगली उठाई। और इसके लिए मैं आपको कोई सफाई नहीं दूंगी। राजवीर जी, आप ही ने मुझसे कहा था ना कि आप अपना भरोसा मुझ पर दे, प्यार में, तो बोलिए कहाँ गया वो भरोसा, बोलिए जवाब दीजिए कहाँ गया वो भरोसा। वाह नंदनी, सच में बहुत चालाक हैं आप। आप भी खुद ही करती हैं और फिर भरोसा भी खुद ही तोड़ती हैं, और अब राजवीर को कोस रही हैं। मासा, आप माने या ना माने, लेकिन पाप मैंने नहीं, राजवीर जी ने किया। मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई। मैं आज की स्वाभिमानी लड़की हूं, इसलिए जो झूठे इल्जाम आप लोगों ने मुझ पर लगाए, उसके लिए ना मैं कोई सफाई दूं और ना ही कोई अग्नि परीक्षा दूं। नंदिनी बहू, ये आप क्या कह रही हैं? नहीं दादी सर, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया उनका, जिन्होंने हर हाल में साथ देने की कसमें खाई थी, और उनसे भी जिनके लिए उनकी जिंदगी में हर खुशियों का रंग भरने के लिए मैं यहाँ रह रही थी, हर बार जिनकी खुशियों का ख्याल रखा, खुद से ज्यादा जिन पर भरोसा किया। दादी साहब, क्या पता था कि वही सारे लोग मुझ पर चरित्रहीन होने का इल्जाम लगाएंगे। नहीं दादी साहब, नहीं रहना मुझे ऐसे घर। और ना ही ऐसे पति के साथ। हमें भी कोई शौक नहीं है आप जैसी चरित्रहीन बहू को यहां रखने का। अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और निकलिए यहां से। यहां से जाने के फैसले पर एक बार फिर से गौर कर लीजिए।
अभी भी आप चाहे तो सच बताकर यहाँ रुक सकती। माँ के सवालों का जवाब देकर सबका मुंह बंद कर दीजिए। आपको बताना ही होगा, आखिर आप मंदिर के लिए निकली थी ना, तो फिर वहां से फार्म हाउस कैसे पहुंच गई? अभय को तो आपसे लिफ्ट चाहिए थी ना, फिर वो वहां आपके साथ कैसे? नंदिनी, आपको इस बात की सफाई तो देनी ही पड़ेगी। क्या आप मेरी सफाई पर विश्वास करेंगे? आप एक बार कह के तो देखिए। यानी आप अभी भी बात नहीं समझे राजवीर जी। अगर बात सिर्फ सफाई देने की होती तो मैं आपको सब कुछ बता देती, लेकिन बात शक की जो आपने मुझ पर किया है, अगर शक करने से पहले आपने मुझे कुछ पूछा होता तो मैं आपको सब कुछ बता देती, पर आपने वो नहीं किया। ब्लडी हेल, तो हम क्या करते? जो हमने अपनी आंखों से देखा उसे जुटला दे दे। यस, आई एम डाउटिंग यू। पर सच तो ये भी है कि हम आपको खोना नहीं चाहते, जिसके लिए आपको सफाई देनी ही होगी।